साधु संतों को, गौशाला वालों को और जो गौ रक्षक हमारे हैं उनने सभी को बुला करके आज ज्ञापन दिया गया है। पूरे जिले में जिला स्तर पर ज्ञापन है, इसको कलेक्टर महोदय के लिए, मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया है कलेक्टर के द्वारा। तो इस पे मुख्यमंत्री महोदय अपना ध्यान आकर्षित करें कि गौ माता से ही पूरा देश चल रहा है और गौ माता हिंदू समाज की एक हिंदू समाज की सम्मान के लिए, हिंदू समाज पूरा माता का, गौ माता का सम्मान करता है। तो गौ माता के प्रति सरकारें भी जो बैठी हैं वो गौ माता की वजह से बैठी हैं। तो ऐसा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री महोदय इस पर विशेष ध्यान दें। नमस्कार, आज हम आ चुके हैं कलेक्ट्रेट में और यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हुए हैं जो बजरंग दल से हैं। यहाँ पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं किस कारण से यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए हैं। बात कर लेते हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और किस उद्देश्य के कारण यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए हैं। जी सर नमस्कार, अभी आज ये ज्ञापन दिया है गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए। ये केंद्र टोली ने तय किया है कि सभी जिला स्तर पर ज्ञापन दिया जाए। ये मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया है कलेक्टर के द्वारा कि जो गौ तस्करी कर रहे हैं उनको, गौ तस्करों पर कार्रवाई हो, गौ मांस बिक्री कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, और गौचर भूमि जो दवाएं बैठे हैं वो गौचर भूमि भी छूटने चाहिए, जिससे गौ माता हमारी घास खा सके आसानी से और वो रह सके। और जो भी गौ माता के खिलाफ में या जो गौ वंश की जो गाड़ी ले जाते हैं उन पे भी बिल्कुल शासन सख्ती से कानूनी कार्रवाई करे, जबकि कोई भी वाहन से मतलब गौ वंश को भर के नहीं ले जा सकता, कानून ऐसा बन गया है। तो गौ वंश कहीं भी गाड़ी पकड़ी होती है उसमें पुलिस प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे। किसी के पर्ची और सरपंच की उनके लिखी बिल्कुल ये मान्य नहीं है शासन द्वारा। उसमें जो है ना गौ वंश अगर गौ तस्करी कोई कर रहा है गाड़ी में पकड़ी हो तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और कलेक्टर महोदय से मेरा ये भी अनुरोध है कि ये राजसात कार्रवाई होनी चाहिए, जो गाड़ी पकड़ी हो गौवंश के भरी उसमें राजसात की कार्रवाई होनी चाहिए। जी, और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, बहुत सारे गऊ इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनके लिए ऐसी कौन कौन सी गौशालाएँ वहाँ भेज कर हम उनका इंतजाम कर सकें चारे पीने का। अपन यहाँ गुना में तो अपन विवेक कॉलोनी में गौशाला है जी, नंदनी गौशाला है, उसमें महाराज जी हमारे खुद सेवा करते हैं, वहाँ पे घास डालते हैं, खुद सारी बना के रखते हैं और वहाँ गौशाला की बहुत अच्छी स्थिति है। और कई जगह से कई स्थान पे ऐसी गाय भी रहती हैं जिनकी गौ माता की माँ खत्म हो गई है, बछड़े छोटे छोटे बछड़े हैं, उनको दूध पिलाकर भी और निपल से दूध पिलाकर गौ माता को पाल रहे हैं नंदनी गौशाला में। तो ऐसी हमारी कई गौशाला हैं जिनमें बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन वैसी जो गाय लेके आते हैं उसमें विवेक कॉलोनी गौशाला में कर देते हैं और उसको हमारे सभी कार्यकर्ता जाते हैं और सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया है के जिस कार्यकर्ता का जन्मदिन हो वो जन्मदिन पे वहाँ जाके गौशाला में घास डाले, हनुमान चालीसा का पाठ करे। तो हम हर दो दिन तीन दिन के अंदर किसी का जन्मदिन होता है। और सबसे समाज से भी अनुरोध है कि हिंदू समाज में किसी का, छोटे बच्चों का या बड़ों का जो भी जन्मदिन हो, तो इधर उधर फालतू पैसा खर्च ना करके गौशाला में खर्च करे और अपनी गौ माता को घास डाले। जी आइए तो महाराज जी से और बात कर लेते हैं, वो भी गौ सेवा करते हैं। जी नमस्कार जी, बताइए थोड़ा संदेश आप देना चाहेंगे लोगों से। हाँ, आज ये गौ तस्करों के ऊपर ज्ञापन दिया गया कलेक्टर महोदय को, और कलेक्टर और मुख्यमंत्री महोदय जी से यही अनुरोध है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और गौ मात्रा को सुरक्षित किया जाए। जय श्री राम। जय सर, तो आप कितने सालों से गौ सेवा कर रहे हैं और जिनकी आवारा गाय हैं जो देख रेख नहीं कर पाते, तो अगर वो भेजना चाहें तो कहाँ भेज सकते हैं? अभी हमारे यहाँ 2010 से जब से हमारा मंदिर का निर्माण मतलब चालू हुआ 2007 से, तो मंदिर नहीं बना था उससे पहले गौ सेवा चालू हुआ वहाँ पे। आज हमारे पास
64 गाय है उस वो पूरा हनुमान जी खर्चा उठाते हैं, उसका कोई किसी समिति कोई प्रशासन को कोई वो नहीं है, लेकिन हनुमान जी हमारे इतने वो है समर्थ है कि 64 गाय को खर्चा वो हनुमान जी उठाते हैं और बहुत अच्छी गाय है हमारे यहाँ। और इस पर शहर से उठाई हुई 5 बिना माँ के बछड़े भी पल रहे हैं, 10-12 विकलांग भी गाय हैं, ऐसे करके 64 गाय पल रही है हमारे यहाँ जी। तो और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज के टाइम देख रहे हैं कि गौ माता की देख रेख इतनी अच्छे से हो नहीं पा रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? समाज को अकेले सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, समाज को भी आगे जागृत होकर आना पड़ेगा, तब अकेले चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। समाज जब आगे आएगा, समाज गौ रक्षा करेगा, गौ सेवा करेगा, तो गाय बचेंगी। और अगर सरकार के भरोसे रहे तो कुछ नहीं हो सकता, समाज जब आगे आएगा, सामने आएगा गौ सेवा के लिए, तो सब कुछ हो सकता है। समाज से अनुरोध है कि सब लोग अपना अपना कर्तव्य समझ के गौ सेवा करें। बिल्कुल, देखिए हमें ब्लेम करना बहुत आसान होता है, हर व्यक्ति ब्लेम करना बहुत आसानी से कह सकता है कि ये ऐसा कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं समाज की सेवा करना, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि गौ सेवा करें। जहाँ भी आपको इधर उधर बहकती हुई गाय नजर आती है, भूखी प्यासी गाय नजर आती है, उनके लिए थोड़ा चारे का इंतजाम करें और कोशिश करें कि उन्हें सही जगह पर पहुँचाया जाए, तभी हम अपना कर्तव्य पूरे कर पाएंगे। क्योंकि महाराज जी और सभी लोग तो अपना कर्तव्य पूरे करते हैं, तो आपकी एक थोड़ी सी पहल हो सकता है गौ माता को बचा सके। आप देख रहे हैं सिटी चैनल, कैमरामैन दिव्य के साथ मैं हूँ आशीष, धन्यवाद।